राजस्थान में प्राइवेट स्कूल्स में 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में इससे कम संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का जो दोहरा रवैया है प्राइवेट स्कूल के और सरकारी स्कूल के बीच, बच्चों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसको लेकर के जो स्कूल शिक्षा परिवार के सुप्रीमो अनिल शर्मा ने एक मुहिम चलाई है कि जब सरकार का काम है शिक्षा देना तो फिर भेदभाव क्यों, आपका बच्चा अगर प्राइवेट में पढ़ता है तो उसको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं मिल रही है, इसके लिए जागरूक करने के लिए अनिल शर्मा का ये वीडियो जरूर देखिए, प्रत्येक अभिभावक देखिए, प्रत्येक प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखिए। नमस्कार। नमस्कार। जब तक हम लड़ेंगे नहीं जीतेंगे भी नहीं, ये ध्यान रखो हम लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में जब तक आप अपने प्रतिनिधि को सुनाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, उसके सामने विरोध प्रकट नहीं करोगे, वो आपकी बात नहीं सुनेगा और ना ही वो आपकी मांगों पर गौर करेगा। नमस्कार, मेरा नाम अनिल शर्मा है। राजस्थान में 1,05,00,000 के करीब बच्चे, 13,70,000 के करीब कर्मचारी और 45,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालक हैं। इन सब का एक परिवार है जिसका नाम है स्कूल शिक्षा परिवार। उस परिवार का मैं मुखिया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे स्कूल संचालक हो, उसके हितों की रक्षा के लिए मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं सरकारों से लड़ूं, मैं उनके सामने अपनी बात रखूं और उसका समाधान कराऊं। 2014 से लगातार मैं कर रहा हूं, मेरे पे 9 मुकदमे हैं, 4 बार जेल जा चुका, 2 बार तो अंदर रह के आए, 2 बार जमानत पे छूटा हूं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां अन्याय होता है, मेरा मन करता है मैं उठ खड़ा हूं, मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं विरोध करूं, और सत्ताओं को कम सुनाई देती है तो उनको जोर से चीख कर चिल्लाऊं। एक बहुत बड़ा अन्याय हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों और कर्मचारियों के साथ हो रहा है और स्कूल संचालकों के साथ हो रहा है, उस सबके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 1,05,00,000 बच्चों पर सरकार 1 रुपया खर्च नहीं करती, बल्कि इनसे लगभग 8.5 करोड़ सालाना लेती है और लेकर उस पैसे का उपयोग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर, जिन पर लगभग 60,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, जिन्हें आप फ्री बोलते हो, उस बच्चे पर और खर्च करती है। आप ताजुब करेंगे, संविधान में शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बताई गई है और सरकार केवल 91 लाख बच्चों को शिक्षा दे रही है और एक बच्चे पे 60,000 रुपए सीधे सीधे खर्च कर रही है, और जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है बेचारा खुद जेब से पैसा भर रहा है, उससे पैसा ले और रही है। बस मैं इसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। जितने भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो कर्मचारियों, मेरी बात को ध्यान से सुने, इस पे मनन करें, मंथन करें, इसको विचार का मुद्दा बनाएं, इसको बहस का मुद्दा बनाएं कि आखिर ये अन्याय कब तक चलेगा। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाह रहा हूं, जब शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार को सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है संविधान में कि फ्री और कंपल्सरी, यानी ढूंढ कर शिक्षा दो। सरकार 91 लाख को दे रही है, बाकी 1,05,00,000 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये बेचारे सरकार को टैक्स भी देते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं, उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल की फीस भी भर रहे हैं, और फिर भी सरकार इन बच्चों के और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच भेदभाव कर रही है। मेरा इतना सा कहना है, बच्चा तो बच्चा है, उसके साथ तो भेदभाव मत करो, चाहे वो सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में। वो राजस्थान का बच्चा है, वो हमारा बच्चा है, वो इस देश का भविष्य है, पर उन बच्चों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरी पहली मांग है सरकार से कि चाहे बच्चा सरकारी में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, उन दोनों को बराबर देखो। अगर दोनों बच्चे 90% नंबर लेकर आए हैं तो 90% नंबर लाने वाले बच्चों को जो पुरस्कार मिलने चाहिए वो दोनों बच्चों को बराबर मिलने चाहिए। अगर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता हो रही है, दोनों बच्चों को बराबर भाग लेना चाहिए। अगर एग्जाम हो रहा है तो दोनों बच्चे ईमानदारी से एग्जाम दे। अगर दोनों बच्चों की कॉपियां चेक हो रही है तो ईमानदारी से चेक हो, पर दुर्भाग्य से इनमें से एक भी काम नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को लगभग 18 प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है और 15-20 प्रकार की और सुविधाएं मिलती है, और प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे को एक भी नहीं मिलती। क्या ये शर्म की बात नहीं है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से 8.5 करोड़ रुपए लिए जाते हैं प्रतिवर्ष और उनसे छात्रवृत्ति दी जाती है सरकारी स्कूल के बच्चे को। क्या ये अन्याय नहीं है? एक सरकारी स्कूल में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को 50,000 से कम एवरेज वेतन नहीं मिलता, कई को तो 1,00,000, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है, और उसके लिए मेडिकल, बीमा, पेंशन, सारी चीजों की सुविधा है,
और प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी को, चाहे वो भाई जी हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे टीचर हो, और चाहे स्कूल का संचालक हो, वो मुश्किल से 10-20 हज़ार महीने के कमा लेता होगा। टीचर को तो 3-4 हज़ार से ज्यादा ही नहीं मिलते, 5 हज़ार मिलते होंगे। पर वो बीमार हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं, वो मर जाए तो उसके परिवार को कोई बीमा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। क्यों भाई? एक को एक लाभ शिक्षा देना काम सरकार का था। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, सरकार का काम शिक्षा देना था, उस काम में ये प्राइवेट संस्थाएं सहयोग कर रही है, तो सरकार को तो इनको पुरस्कार देना चाहिए, पर पुरस्कार के बजाय इनके साथ अन्याय कर रही है। मेरी दूसरी मांग है कि मेरे प्राइवेट स्कूल के कर्मचारियों के लिए भी सरकार मेडिकल, पेंशन और बीमा की सुविधा अपने खर्चे पे करे। सरकार कहती है नहीं, आप फीस लेते हो, स्कूल कर दे। फीस लेंगे, स्कूल करेगी तो बच्चों की फीस और बढ़ानी पड़ेगी, तो ये पेरेंट्स पे भार होगा। अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को किताब फ्री मिल रही है, मेरे बच्चों को भी मिल जाए, उनको ड्रेस फ्री मिल रही है, मेरे बच्चों को मिल जाए, उनको मिड डे मील मिल रहा है, मेरे बच्चों को मिल जाए, उनको परिवहन भत्ता मिलता है, मेरे बच्चों को मिल जाए, यदि सरकारी कर्मचारी को मेडिकल पेंशन बीमा मिल रही है, मेरे को भी दे दो, आपका तो पैसा ही बचेगा। क्योंकि इन 1,05,00,000 बच्चों को भी यदि सरकार पढ़ाती तो 60,000 से मल्टीप्लाई कर लो कितना खर्चा होता। अतः मैं जितने भी पेरेंट्स, स्कूल के कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे हैं, या सामान्य जनता जो टैक्स देती है, मैं उससे कहना चाहूंगा, जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को आप मुफ्त समझते हो, वो मुफ्त नहीं है। उस पर 60,000 रुपये सालाना खर्च आ रहा है, और शिक्षा की स्थिति कैसी है मुझे नहीं कहना चाहिए। और जिन प्राइवेट स्कूलों में 1,05,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे 8.5 करोड़ लिया जा रहा है, आप सोचिए वहां की पढ़ाई कैसी है, ये भी आप सब जानते हैं। अगर पढ़ाई नहीं होती तो वहां बच्चे ही नहीं आते। मैं तो कह रहा हूं सरकार इन बच्चों में भेदभाव बंद करे, जो मध्यम वर्गीय लघु वर्गीय पेरेंट्स है उनकी फीस का सरकार वाउचर दे, और जो ये छोटे मोटे कर्मचारी हैं स्कूलों में पढ़ाने वाले प्राइवेट में, इनके भी पेंशन मेडिकल की व्यवस्था करे, तब मेरा देश नंबर 1 बनेगा, तब मेरा देश महान बनेगा। इस सब के लिए राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक अभिभावकों को मैसेज देकर बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, और अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के एमएलए को बुलाएंगे, अगर विधायक नहीं है, हारा हुआ प्रत्याशी है उसको बुलाएंगे, और उनको बुलाकर मांग रखेंगे। क्योंकि कई बार 2018 में सरकार बनने से पहले हमने मांग रखी थी, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र जिसे कहते हैं, उसमें ये सारी मांगे शामिल की गई है, परंतु दुर्भाग्य से 4 साल पूरा होने के बाद भी इनमें से एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। अतः उनके विधायकों को आज जोड़कर मांग याद दिलाई है, वो दिलाएंगे, आप उनको धन्यवाद देंगे, दोबारा चुनने की कोशिश करेंगे, और यदि नहीं दिलाएंगे तो दोबारा फिर एक महाकुंभ करके हमें फैसला करेंगे कि हम किस तरह किधर जाए। मेरे इस बात को ध्यान रखना, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक मीटिंग होगी, आपके पास मैसेज आएगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या में जाना। ये ध्यान रखो, यदि आप नहीं लड़ोगे तो ये मांग मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी मांग के लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा क्यों जाए। जय हिंद, जय भारत।